नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो कौन सा सब्सटेंस है जो कि इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स के टाइम पे पेन के ट्रांसमिशन को डिक्रीज कर देते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन है सब्सटेंस पी सेकंड ऑप्शन है एंडोर्फिन थर्ड ऑप्शन है प्रोस्टाग्लैंडिन एंड डी ऑप्शन है लास्ट वन है वो है स्टामिन तो अब बात करेंगे अपन करेक्ट आंसर की तो ऑप्शन बी एंडर्फिन होता है वो क्या कर देता है पेन ट्रांसमिशन को कम कर देता है ओके okay? अब चल लेते हैं रैशनल एक्सप्लेनेशन पे तो जैसे ही बॉडी के अंदर कोई इंजरी होती है इन्फ्लामेशन क्रिएट होती है तो एंडोर्फिन रिलीज किया जाता है ब्रेन के थ्रू तो ये क्या करेगा जो पेरीफेरल नर्व है जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ पे उनके नरव के रिसेप्टर पे अटैच हो जाता है और क्या करेगा वहाँ पे जो न्यूरो होते हैं पेन और इन्फ्लामेसन के जो न्यूरो होते हैं उनके एक्शन को इनिबिट कर देता है जिससे क्या होगा पेन फील नहीं होगा साथ ही साथ जो ब्रेन के अंदर जो ओपिएट रिसेप्टर्स होते हैं उनके एक्शन को भी क्या कर देता है उनके साथ इंटेक्ट करता है और पेन परसेप्शन को भी रिड्यूस कर देता है और इस तरीके से ये पेन को कम कर देता है तो अब चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर